सो बेसिकली ये एक नया फॉर्मेट है जो मैं शुरू करना चाहता था बहुत टाइम से, बिकॉज काफी लोगों के कमेंट्स आते थे कि यार भैया आप एक मिनट की वीडियो बनाते हो उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, आप थोड़ा सा और लंबे वीडियोस बनाया करो। और मुझे लंबे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने की उतनी आदत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है उस चीज में, और ऐसा लगता है कि यार उतने टाइम में मैं और दो तीन शॉर्ट वीडियोस बना सकता हूँ। तो दिस इज फॉर दैट ओनली, जहाँ पे मैं एकदम रॉ रख रहा हूँ वीडियो को, मैं ज्यादा एडिट्स नहीं करने वाला हूँ, ज्यादा कट्स भी नहीं मारने वाला हूँ। इट्स गोना बी वेरी सिंपल, इट्स गोना बी अ डायरेक्ट वन ऑन वन कन्वर्सेशन विथ यू ऑल। और इसके मेन एक हाईलाइट टॉपिक रहने वाला है जो वीडियो मैंने एक दिन पहले अपलोड की रहेगी, जैसे मैंने एक दिन पहले अभी अपलोड की थी थॉमस शेल्बी के आई कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो उसी के अराउंड ये टॉपिक रहने वाला है पूरा। अब उस टॉपिक को हल्का सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, प्लस इस वीडियो के एंड में एक क्यू एंड ए सेशन भी रहेगा जहाँ पे मैं आपके कोई भी क्वेश्चन को उठाऊंगा और उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा। तो अगली बार से हम लोग क्यू एंड ए को भी इंक्लूड करने वाले अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में, तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे फटाफट से जाके पूछ लो। अब भले ही क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपकी स्टडी से रिलेटेड रहे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड रहे, कुछ भी रहे जाके पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। कोई भी एक रैंडम कमेंट पिक कर लूंगा मैं और अगली वीडियो में उसको फीचर करने का मौका मिलेगा। तो बैक टू द टॉपिक, जो मैंने वीडियो बनाई थी आई कॉन्टैक्ट के ऊपर थॉमस शेल्बी के, तो भाई थॉमस शेल्बी मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। अब मैंने खुद ने पर्सनली पीकी ब्लाइंडर्स को कभी देखी नहीं है, बट जितना भी देखा उनके छोटे छोटे क्लिप्स देखे हुए हैं। एंड एक चीज फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि यार उस कैरेक्टर को कोई और बंदा इतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाता जितना किलियन मर्फी ने किया है, ही हैज नेल्ड दैट रोल। अब होता क्या है, जब भी ऐसी कोई सीरीज बनाई जाती है तो उस कैरेक्टर को काफी डीपली स्टडी किया जाता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका आई कॉन्टेक्ट, वो सारी चीजें काफी एकदम बारीकी से नोट की जाती है, एंड देन वो सारी चीजें एक्टर को बताई जाती है कि आपको ऐसे ऐसे रोल को प्ले करना है। बट किलियन मर्फी इस रोल को इतने अच्छे से प्ले किया है कि आपको लगता है कि भाई अगर एक्चुअली में थॉमस शेल्बी होता तो वो ऐसे ही होता। तो बेसिकली उनके आई कांटेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उनका जो आई कांटेक्ट का रूल मैंने बताया था, ट्रायंगल रूल, अब वो रूल मुझे सबसे इजी लगा। जब मैंने भी शुरुआत की थी तब आपने देखा रहेगा कि मेरा आई कांटेक्ट काफी वीक था, मैं पहले वीडियोस भी नॉर्मल वीडियोस भी यहां पे देख के बनाता था, कभी एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट करके नहीं बनाता था। तो इस रूल ने काफी ज्यादा हेल्प की है मेरी इन डे टू डे लाइफ आल्सो एंड इन लाइक यूट्यूब का जितना भी छोटा मोटा करियर रहा है मेरा उसमें भी। तो इस रूल को मैंने थोड़ा सा और स्ट्रिप डाउन करके इजी वर्जन बनाया था, जहाँ पे मैं बस दो पॉइंट्स पे देखता था रादर देन थ्री पॉइंट्स। तो मैं लेफ्ट आई पे फोकस करता था और राइट आई पे फोकस करता था, और वो बस 5 से 7 सेकंड के अराउंड रहता था। अब इस रूल के साथ आपको एक चीज का बारीकी से ध्यान रखना है कि भाई आप इसको ओवरडू कभी मत करना। दो चीजें याद रखनी हमेशा, पहली वाली, जब भी सामने वाला बात कर रहा है तब आपको उसके साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, बट जब आप बात कर रहे हो तो आप हल्का फुल्का बीच बीच में यहाँ वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि वो टेंशन ज्यादा बिल्ड नहीं होने देना है, हल्का फुल्का टेंशन ब्रेक करने के लिए आप यहाँ वहाँ पे देख सकते हो। बट जब सामने वाला बात कर रहा है तब आपको अटेंटिवली उसकी तरफ देखना है, और इतना भी ओवरडू नहीं करना है कि आप क्रीप लगने लगो वहां पे। आई कांटेक्ट आई फील एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी लोगों को सीखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, एंड दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स हाउ कॉन्फिडेंट यू आर विथ योर सेल्फ। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक छोटी सी झलक होती है ना, वो अपनी आंखों से ही दिख जाती है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये चीज रिकमेंड करूंगा कि आप आई कॉन्टेक्ट को हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते जाओ। अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा ट्रायंगल रूल अगर आपको ट्राई करके देखना है तो वो ट्राई करके देखो, एंड हल्का हल्का इसको लाइफ में इंटीग्रेट करने का ट्राई करो। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए, मैं इस वीडियो को ज्यादा रॉ रखने वाला हूँ, ये थोड़ा सा इजी वर्जन रहना चाहिए मुझे एडिट करने के लिए, बिकॉज इसका भी एक चैलेंज होने वाला है। मैं जो ट्राई आउट करने वाला हूँ कि अगले 30 दिनों के लिए मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी पोस्ट करने वाला हूँ रेगुलरली। अब देखते हैं वो अल्टरनेटिवली होता है या डेली होता है, वो तो पता चल ही जाएगा। बट इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ कि जितना इजी टू एडिट रखूं मैं उतना कर पाऊँ, ताकि मेरी जो नॉर्मल वीडियोज भी जाती है उनके साथ साथ ये भी मैं एड ऑन कर पाऊँ। सो दिस इज गोना बी अ नेक्स्ट लेवल चैलेंज फॉर मी ऑल्सो। तो कमेंट्स में विश मी लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।